हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वेक्सर और दोस्तों टेक्नो सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल सैमसंग ने A52 और A72 दोनों स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। प्राइस के हिसाब से थोड़े से ओवर प्राइस है, लेकिन A52 थोड़ा ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे कल पूछ रहे थे कि इसमें F62 ले लें या A52 वाला ले लें, तो मैंने सोचा कि चलो स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपेरिजन करके देख लेते हैं कौन अपने प्राइस को ज़्यादा जस्टिफाई करता है, उसी के ऊपर डिसाइड करेंगे लास्ट में। इस वीडियो को एंड तक देखना, वहां पे मैंने बताया कि कौन सा वाला आपको किस पॉइंट के लिए लेना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोज के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे प्राइसिंग से। प्राइसिंग दोनों में सेम वेरिएंट्स हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB 128GB की बात करोगे तो F62 जो है वो सिर्फ 24,000 रुपये में आता है, और A52 की बात करोगे तो 26,500 में आता है। जबकि इसके बदले अगर 8GB 128GB की बात करोगे तो 26,000 में आपको F62 आता है, जबकि 28,000 में आपको मिलता है A52। यानी A52 की प्राइसिंग जो है वो F62 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब जो स्पेसिफिकेशन है वो प्राइसिंग को जस्टिफाई करते हैं नहीं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो दोनों सैमसंग से हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये लड़ाई नहीं होगी कि कौन सा कहाँ का ब्रांड है, सैमसंग बड़ा है या कोई छोटा है, तो ब्रांड वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले अगर आप A52 की बात करोगे तो इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड का है, पंच होल के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है, 800 nits का ब्राइटनेस है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। रियर साइड पे जाओगे तो पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगा, क्वाड कैमरा का सेटअप है, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है। और वेट की बात करोगे तो 190 ग्राम समझ लो उतना तक होता है। इसके बदले सैमसंग गैलेक्सी F62 में जाओगे तो उसमें डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, वो भी सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले दिया हुआ है। चलिए अच्छी चीज़ है, ये दोनों प्लस पॉइंट है वहाँ पे, लेकिन इसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नीचे हो जाती हैं। कैसे? इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, पंच होल इसमें भी है, अच्छी चीज़ है, फुल एचडी प्लस का है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 60Hz का रिफ्रेश रेट खाली दिया हुआ है। चलिए वेट भी इसका 218 ग्राम है, 218 ग्राम्स, जो कि ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा मोटा है। चलिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, रियर साइड पे जाओगे तो क्वाड कैमरा है, एंड नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है। देखने में दोनों स्मार्टफोन ठीक लगते हैं, लेकिन ओवरऑल लुक के हिसाब से कहोगे तो यहाँ पे A52 थोड़ा सा पॉइंट डिस्प्ले डिजाइन में रखता है, लेकिन अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो हाँ, आप जा सकते हो F62 की तरफ। इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 में स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट मिलता है। उस प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन स्टिल डिसेंट चिपसेट है, यानी मिड रेंज का चिपसेट है, 2,80,000 के आसपास अंतुतु का स्कोर देता है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। 8 NM पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, एड्रीनो 618, नॉर्मल गेमिंग वेमिंग कर लोगे, मतलब मीडियम लेवल पे गेमिंग कर लोगे, बहुत हाई एंड गेमिंग नहीं कर पाओगे, ठीक ठाक है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, जो कि UI 3.1 के साथ आता है, यानी फुल फ्लेज नॉक से लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एड वैड का इशू नहीं रहेगा, ब्लूटूथ का ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, तो और बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, चलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बदले अगर आप जाओगे F62 में तो परफॉर्मेंस में वो कहीं ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू 720G, क्योंकि उसमें एक्जीनोस का 9825 का चिपसेट मिलता है, जो कि 7 NM पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर मिलेगी, परफॉर्मेंस भी 3,80,000 के आसपास आता है, यानी गेमिंग वेमिंग ज़्यादा बेटर कर पाओगे। माली G76MP12 का GPU है, तो गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर लोगे। इसमें भी एंड्रॉइड 11 आता है, जो कि UI 3.1 के साथ आता है, इसमें भी फुल फ्लेज नॉक्स है, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें कम पड़ जाती हैं, जैसे एस सिक्योर का अभी तक अपडेट दिया नहीं है इसमें, तो एक दो चीज़ें कम है F62 में। अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली A52 से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा F62 में। कैमरा की बात करते हैं तो सेंसर्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, 64 MP का सोनी MX682 का सेंसर दोनों में दिया गया है, जिसका अपर्चर F1.8 का है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों में है, जिसका अपर्चर F2.2 का है, 5 MP के मैक्रो लेंस, 5 MP के डेप्थ सेंसर, एंड 32 MP का सेल्फी, जिसका अपर्चर F2.2 का है। ये सेम है, एग्जैक्ट सेम, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और रियर दोनों साइड से कर सकते हो, रियर साइड पे आपको फ्लैश दिया हुआ है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, आपको A52 में OIS का सपोर्ट मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का, जो कि आपको F62 में नहीं मिलता। यही एक प्लस पॉइंट रखता है A52 कैमरा सेगमेंट में दोस्तों, अदरवाइज और कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस कैमराज में दोनों में नहीं है।
बात करते हैं बैटरी की, यहाँ पे प्लस पॉइंट रखता है F62 क्योंकि इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, 25 वाट का चार्जर है, देन उसके साथ टाइप सी का पोर्ट है, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट करता है। चलिए ये पॉइंट हो गए। इसके बदले A52 में आओगे तो बैटरी छोटी हो जाती है, ऑब्वियसली उसके स्लिक डिजाइन के लिए उसमें सिर्फ 4500 mAh की बैटरी दी गई है। 25 वाट का चार्जर सपोर्ट तो करता है बट बॉक्स में आपको सिर्फ 15 वाट का ही चार्जर मिलता है, तो ये भी थोड़ा कम कर दिया गया है। टाइप सी का पोर्ट भी है और रिवर्स चार्जिंग भी इसमें सपोर्ट नहीं करता। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चार्जर के डिपार्टमेंट में F62 कहीं ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू A52। सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर्स दोनों में मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं है। सिर्फ A52 में IP67 की जो रेटिंग है वही एक्स्ट्रा है, यानी थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट है, यानी अगर आप 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक रखते हो तो स्मार्टफोन को कोई इशू नहीं होगा अदरवाइज। तो ये प्लस पॉइंट A52 के पास है। बाकी जितनी सारी चीज़ों की बात करोगे, दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एक में अंडर डिस्प्ले है, एक में साइड वाला है, दोनों में नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है, अच्छी चीज़ है, दोनों में फेस अनलॉक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी बेसिक सेंसर्स वाली बात है, 3.5 mm जैक वो भी दोनों में आ जाता है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं किया गया। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में वही IP67 वाला जो है पॉइंट A52 के पास है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है दोस्तों। बात कर लेते हैं स्लॉट की। यहाँ पे आपको F62 पॉइंट लेता हुआ दिख जाएगा क्योंकि उसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, यानी दो सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो। अगर आपको 128 GB कम पड़ रहा है तो आप कार्ड से बढ़ा सकते हो दो सिम कार्ड लगाकर भी, लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते A52 में क्योंकि उसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट आता है, तो फिर दो सिम कार्ड यूज करो या फिर एक सिम कार्ड एक SD कार्ड, वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है इस चीज से। तो ये कंपैरिजन था। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला लें तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा हुआ है कि अगर आपको बेटर डिजाइन चाहिए, लाइट चाहिए स्मार्टफोन, हल्का थोड़ा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन चाहिए, रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, फुल फ्लेज नॉक्स चाहिए, OIS का सपोर्ट चाहिए और IP67 की रेटिंग चाहिए, तो आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A52 की तरफ। इसके बदले अगर आपको प्राइस ज्यादा अच्छी चाहिए, उसके साथ डिस्प्ले थोड़ा बड़ा चाहिए, देन परफॉर्मेंस तगड़ा चाहिए, उसके साथ बड़ी बैटरी चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए और डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए, तो आप जा सकते हो F62 की तरफ। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, इसमें कौन सी आपकी प्रायोरिटी है उस हिसाब से आप देख सकते हो एंड चूज कर सकते हो। कौन सा वाला आपको अच्छा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा वो भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।